युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय में भी नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत युवाओं को फिट इंडिया मूवमेंट के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जिससे युवा नशे से दूर रहकर खेलों के प्रति प्रेरित रहें। इस मुहिम के तहत बुधवार को हमीरपुर राजकीय महाविद्यालय में कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर महाविद्यालय व सुल्तानपुर महाविद्यालय की टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजुम बत्रा सहगल भी इस मौके पर मौजूद रही। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं को सचेत करने के लिए इस जागरूकता अभियान को किया जा रहा है और आने वाले समय में ये अभियान स्कूल स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद मिलेगी। मैं बधाई देना चाहूँगा हमीरपुर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम श्री आरण बत्ता व डी पी पवन जी को व सभी जो कॉलेज का स्टाफ है, सुजानपुर के कॉलेज के प्रिंसिपल उनके स्टाफ को, कि इन दोनों कॉलेज के बीच में ये कबड्डी का इन्होंने यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया। और इस आयोजन का जो मेन पर्पज है, जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल यंग जनरेशन में जो है वो नशे का प्रचार बढ़ रहा है, हमारे बहुत सारे बच्चे इसकी लत में आ गए हैं, तो उनको जागरूकता का ये एक अभियान के तौर पर इस प्रतियोगिता का जो है वह आयोजन किया गया। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए इस ढंग से जो प्रतियोगिता शुरू की गई है और आगे भी एक इवन स्कूल्स व अन्य कॉलेज में भी ये प्रतियोगिता होने जा रही है, तो उनको बहुत बड़ी जो है सहायता इसमें मिलेगी और हमारे बच्चे नशे से दूर रहेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान और जो यहाँ पर इन्होंने एक बीड़ा उठाया है हमीरपुर जो स्टाफ है, ऑफिशियल जो स्टाफ है जिसमें प्रिंसिपल मैडम हैं, बाकी सभी जो ऑफिशियल्स हैं, और आने वाले समय में मैं इनको और भी बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे योजन करने से जो हमारे बच्चे नशे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनसे ऑटोमेटिकली भी इनसे दूर जाएंगे और अपना भविष्य जो वो सुरक्षित करेंगे। ऐसा है आज जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है खेल के प्रति अट्रैक्ट होगी, ज़्यादा प्रतियोगिताएँ इसमें शामिल होंगी, ऑटोमेटिकली हमारे जो बच्चे हैं वो नशे से दूर जाएंगे। और एक और बहुत मैं सौभाग्य की बात करना चाहूँगा कि केंद्र में जो अनुराग जी हैं वो भी, उनके पास भी खेल मंत्रालय है और उनका भी विशेष ध्यान जो इस ओर है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हमीरपुर जिला खेल के, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन में नंबर वन है, कोई ये भी मैं नहीं कह सकता कि आने वाले समय में खेल की स्पोर्ट्स में भी हमीरपुर नंबर वन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए और आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमीरपुर जिला के जो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो अन्य दूसरे जो सदस्य, इस बहुत ही बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में हिमाचल नंबर वन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।